भाई होगी शुरू बारिश, इंद्र देवता नहीं मानते। ओ भाई साहब इतनी तेज, अरे यार बारिश से बच के निकले थे और ये क्या हुआ। तो भैया लोगन अपनी मशीन हमारे पास अपनी आ चुकी है। मुझे कोई फर्क नहीं है कि एक मिनट का काम जो है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड भी फालतू ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन रेट की अगर बात करूं, सुबह सुबह दिखी मेरे को की कील लगी हुई है, तो जाने से पहले अपन यही ठीक ही कराने यार, और कहीं हाईवे पे कुछ पटाखा वटुका बोल जाए। वही बस उसकी वजह रुका हुआ था। सही पकड़े हैं। और फाइनली आज अपनी डिग्गी भी खाली हो जाएगी, क्योंकि तब से यार जब से मैंने इसकी लाइट्स वगैरह चेंज कराई है ना, इसकी पुरानी लाइट्स और ये अंदर का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सारा कुछ इसके अंदर ही पड़ा था, अब जाके इसको खाली भी करेंगे। अब यार ये वाला नंबर पता नहीं कैसे मिल जाता है, वैसे तो आईडी 0003 होना चाहिए बट यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर दे रखा है और हैवी INDI वाली प्लेट। भाई ये पता नहीं क्या जुगाड़ है सच में। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली वो दिन आ गया, अपन निकल पड़े हैं अपने लैपटॉप की तलाश में और होपफुली अपनी तलाश आज कंप्लीट हो जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा यार कि जो मेरे को एक मॉडल मैंने शॉर्टलिस्ट किया था सब कुछ देखने के बाद, तो मैंने उसके लिए यार पूरी ट्राई सिटी चंडीगढ़ मतलब पंचकुला हर जगह मैंने पता कर लिया, वो नहीं मिला कहीं भी। बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा पुराना मॉडल है यार, अभी रिसेंट का मॉडल है, तो कहीं नहीं मिला मेरे को। तो फिर मैंने जाके दिल्ली में पता करवाया तो वहां मुझे एक पीस मिल गया, मुझे एक ही चाहिए था खैर, तो मिल गया एक थैंकफुली। तो अपन बस उसको ही लेने जा रहे हैं। अब दिल्ली यार मुझे जाना है सच पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, बट फिर मैंने क्या किया कि मैंने रोहतक आना ही था तो रोहतक मंगवा लिया था वो वाला पीस, और अब आज अपन जा रहे हैं रोहतक और वहां से उठा के लाएंगे अपना लैपटॉप। कैमराज मेरे ख्याल से अब चल पड़े हैं, ये देखो अब ये शुरू हो चुके हैं 152D के कैमरास। तो भाई ओवर स्पीडिंग मत करना, चलान पक्का कटेगा पक्का। और आज मैंने अपनी सिटी ब्यूटीफुल को निकाला है क्योंकि यार कई दिनों से खड़ी हुई थी, अब जैसे बारिशें वगैरह हो रही थी तो मैंने XUV ही चलाई, क्योंकि इसके साथ तो मैंने पंगा लिया ही नहीं यार कि इसका कभी बम्पर निकल जाए कुछ हो जाए, तो इसको तो मैंने खड़ा ही रखा। आज बड़े दिनों बाद सूरज देवता की कृपा हुई है तो फाइनली आज मैंने इसको, और वैसे भी हमने यार हाईवे पे भी जाना था तो ये रोड भी सारा 152D जो है जो अंबाला से जयपुर की तरफ जाता है, पहले भी आपने शायद मेरी वीडियोज में देखा होगा, तो पूरा स्मूथ मक्खन वाला रोड है तो इसके लिए भाई ठीक है, मैंने होंडा ही निकाली। और दूसरी चीज इसका क्या था भाई, एवरेज दिखाऊं इस टाइम लगभग 20 की एवरेज दे रही है। भाई जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए, इतनी अच्छी एवरेज मिल जाए तो नो डाउट यार। XUV में एवरेज वाला फैक्टर है ही नहीं, वो है मजे के लिए, फन के लिए, चलाने में जो उसका मजा आता है इसका वो वाला मजा नहीं है, बट एवरेज देखिए भाई जो इसमें खुशी मिलती है ना वो XUV में नहीं मिलती। तो यार अब सीन क्या हुआ कि अपने सारे लैपटॉप देख लिए थे, अब मैंने एक बजट अपना बना के चला था कि अपने को लैपटॉप चाहिए को मतलब 1-1.5 के करीब तो आएगा, देखो कोई भी अच्छा लैपटॉप ने लेना है जो मेरा एडिटिंग का ये सारा काम कंप्लीट कर दे। अब चक्कर ये था कि विंडोज के लैपटॉप जो आ रहे थे यार बहुत बल्कि थे, 15-inch स्क्रीन या बहुत हैवी मतलब गेमिंग जो लैपटॉप थे वो वाली सीन थी, वो वाले आ रहे थे। और मैकबुक जो है वही फिर वो आपको पता है वो तो हायर रेंज आती है, या तो आप एयर वगैरह ले लो, एयर वगैरह में क्या है कि वो आपका हैवी काम नहीं कर सकते। अब मेरे को था यार एक बार पैसे स्पेंड करने और स्पेशली मैं इसी पर्पज के लिए अगर ले रहा हूँ तो एक बार अच्छा लैपटॉप लो, तो मैंने एयर वगैरह का ड्रॉप कर दिया। अब कौन सा लैपटॉप लेकिन मैंने चूज किया है वो तो आपको मैं जाके बताऊंगा, लेकिन जो मेरे को मिला है ना मतलब वो बहुत मुश्किल से मिला और वो वर्थ इट है, डेफिनेटली वर्थ इट है। तो यार वैसे ये फर्स्ट टाइम है होंडा सिटी को वैसे मॉडिफिकेशन के बाद ऐसे हाईवे पे निकाला है, और अब इसमें वीडियोस वगैरह ये यूट्यूब वगैरह ये चलाया हुआ था तो ठीक है ना यार सारे एंटरटेन होते रहते हैं। अब मेरा फोकस ऑब्वियसली मेरा तो रोड पे रहेगा, मैं तो रोड पे देख रहा हूँ, साथ वाले जो बैठा है वो बोर ना होते हुए चलो ठीक है, उसका हल्का हल्का एंटरटेनमेंट चल रहा है। अभी बस मैंने नाम ही लिया था कि मौसम साफ हो गया,
साथ के साथ देखना बादल आने शुरू हो गए, आगे की तरफ बिल्कुल काले बादल आ गए। यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इतने देर बाद मैंने होंडा सिटी निकाली है अपनी, ये ना हो कि बारिश हो जाए बेचारी और फंस जाए। नहीं प्लीज इंद्र देवता, थोड़ा सा रहम रहम। और कहाँ लेके जा रहे हो घुमाने इस बार? भाई साहब कहीं चल लो, मैं तो बिल्कुल तरस चुका हूँ बिल्कुल निकलने के लिए। एक डेढ़ महीने से मेरे को जाने को नहीं मिला, मेरे तो चमूड़ियाँ लड़ रही हैं, मेरे तो भी लड़ रही है। निभागे में यार, मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है बनी सदियां बीत गई। लास्ट टाइम याद सा भी नहीं आ रहा है, तो वीडियो देख के याद आ जाता है कि चलो यहाँ गए थे, अब तो इतना टाइम हो गया। बाय गॉड, मैंने तो बैक टू बैक अपने इतने ट्रिप्स लगवा दिए, अब कुछ नहीं। नहीं अब ठीक है ना यार, एक आदत जब बन जाए ना कि चलो अब हमने रखा हुआ है कि महीने में एक ट्रिप, मतलब अपना 28 दिन काम करो, 2 दिन के लिए ट्रिप पे निकल जाओ, महीना पूरा, तो इस तरीके से ही रहना चाहिए। माउंटेन खुद ही प्लेन्स में घूमने के लिए आ रहे हैं, वो तो खुद ही ऊपर नहीं टिक रहे, हालत ये है उनकी। इस बार बनाओ बीच, बीच पे रोड ट्रिप नहीं बन पाएगी फिर, और अपने भाइयों को सही है रोड ट्रिप एक्सयूवी के साथ। बाकी यार आप सब भी बताओ कि कहाँ जाया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में तो भाई टू बैड टू डेंजरस, और प्लेन्स में भी कहाँ रोड ट्रिप बन सकता है, बीच तो यार बहुत दूर हो जाएगा। बीच तो फिर वो बड़े वाले एक्सयूवी से जाना पड़ेगा, हवाई एक्सयूवी, अपनी एक्सयूवी से नहीं जा सकते। नहीं बनाएंगे बीच वाला भी बनाएंगे, लेकिन अभी ऑफ टाइम है थोड़ा सा ना, तो हम बनाएंगे सितंबर अक्टूबर के आसपास बीच का फॉर श्योर, बट उससे पहले बन जाएगा और फिर बनाएंगे, वैसा फिर बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। तो भाई होगी शुरू बारिश, इंद्र देवता नहीं मानते। ओ भाई साहब इतनी तेज, जितनी तेज बारिश शुरू हुई है ना, पहुंचते पहुंचते तो भाई हालत खराब हो जाएगी, ऐसी बारिश शुरू हुई। और आगे तो भाई बहुत अंधेरा है, ये तो सही में नहीं कम दिख रहा है। हाँ अब गॉगल्स लगाए, घंटा दिखेगा उसमें कुछ। हाँ आगे बारिश आई, देखना प्रॉपर ये देख ला, दिख रहा है कि वहां बारिश ज्यादा है, ये यहाँ बारिश ज्यादा है, ये देखना। ओ तेरी, अरे यार बारिश से बच के निकले थे और ये क्या हुआ। नहीं आगे बिल्कुल दिखना, विजिबिलिटी देखना, आगे जो गाड़ी गई है दिखनी बंद हो गई है। हाँ अरे हाईवे पानी, सही बात है पानी भर गया हाईवे पे यार, ये काम नहीं होना चाहिए था पता, ये गलत हुआ भैया। राम राम, एकदम धूप निकली हुई थी, अभी वीडियो में बना रहा था धूप निकली हुई थी और एकदम से बारिश आई है, बिल्कुल अंधेरा है। तो यार मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, अदरवाइज काफी अंधेरा हो गया। और भाई बाहर का कुछ दिखाओ ना, बादल ही गिरे पड़े हैं मेरे को लगता है यहाँ पर, बिल्कुल दूर तक ऐसा है, पूरा अंधेरा है भाई, पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं विजिबल। अब हाईवे की तो यार कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हाईवे पे जो पानी वगैरह बहुत ज्यादा, इस रोड पे तो एटलीस्ट नहीं रुकेगा। मेन टेंशन मेरे को है भाई रोहतक सिटी में जाके ऐसा ना हो, क्योंकि वहां पर तंग तंग छोटी छोटी गलियां हैं और गलियों में तो भाई पानी भरता ही भरता है, तो सिर्फ उस चीज की टेंशन है मेरे को। हाँ जी स्पीड रेंज में ही है। अब यहाँ आगे आगे फिर से मौसम चेंज, कि बादल तो है अंधेरा भी है लेकिन बारिश नहीं है, तो अपन यहाँ रुक गए कि चलो थोड़ा सा एक ब्रेक भी ले लेते हैं, मौसम भी अच्छा हो गया है और नज़ारे भी इंजॉय कर लेते हैं। खूब डायनेमिक मौसम है भाई, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं पता लग रहा मौसम का, कब धूप आ रही है कब बारिश आ रही है कब लैंडस्लाइड हो रही है कब बाढ़ आ रही है, कुछ नहीं पता लग रहा। चलो जी अपनी फोटो शोटो हो गई है, अब ये है कि सही सलामत सही तरीके से पहुंच जाए, बारिश ना हो प्लीज। तो अभी आप लोगों ने हाइपरलैप्स में देख लिया होगा कितना ज्यादा डायनेमिक मौसम हो रखा है, एकदम से बारिश शुरू हो रही है और इतनी तेज बारिश कि विजिबिलिटी बिल्कुल लगभग जीरो हो जा रही है, और उसका एकदम से खत्म। लो अभी बारिश खत्म थी, ये देखो फिर से शुरू होगी बारिश, समझ ही नहीं आ रही इंद्र देवता को, करे तो करे क्या।
कि शीशे बूंदों की वजह से इतनी इल्यूजन सी क्रिएट हो रही है ना, ऐसा लगता है जैसे ना ये जो चल रही है बूंदे, जैसे ऊपर से कुछ लाइट्स की कुछ या बीड सी या कुछ, मतलब कीड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है। तो बहुत इल्यूजन सी क्रिएट हो रही है, बार बार तो नजर इन पे जाती है। और ये लो 8-10 किलोमीटर हम आगे हैं और बिल्कुल सूखा है यहाँ, तो पानी की एक छींट नहीं पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल टोटली सूखा। लो जी फाइनली तूफानों से लड़ते हुए अपन पहुंच चुके हैं रोहतक सिटी। अब जाके घर पहुंच के उसके बाद अपन लेने जाएंगे अपने लैपटॉप, और कौन सा लेंगे बस वो आपको दिख जाएगा। तो भैया लोगन अपनी मशीन हमारे पास अपनी आ चुकी है। तो खैर एक्चुअली यार कल ही गई थी, बट कल क्या हुआ ना, आप समझ सकते हो यार, घर वापसी आने के बाद क्या होता है कि खाना पीना बातें शाते करते हुए फिर टाइम निकल जाता है सारा। तो ये तो खैर मेरे पास मतलब यहाँ पर जो है 1-2 दिन पहले आ चुकी थी, बट मिली मुझे आज सुबह ही है। बट इसके अंदर कौन सा लैपटॉप है वो तो आपसे खोल के मैं शेयर करूंगा, अभी तो बस रेडी हो गया फटाफट, एक छोटा सा फंक्शन है उसको कंप्लीट करके फटाफट हम निकलेंगे मोहाली वापसी के लिए और जाके करेंगे इसके। यार अब टोल पे नई गाड़ी है, शायद इसका फास्टैग नहीं है क्या है, बस इतनी देर से कुछ ना कुछ बहसम बसाई कर रहे हैं, ना वो टोल खोल रहे हैं ना ये पैसे दे रहा है, पता नहीं क्या झंझट है यार। हाँ अब कैश दिया इसने, तब से लड़ी जा रहा है बिना मतलब। घर वापसी मोहाली के लिए निकल गए हैं, बट यार इतनी नींद आ रही है ना इस टाइम, क्योंकि लंच अभी अभी किया था और बाहर गया, हल्की हल्की ना धूप सी निकल आई है और एसी गाड़ी में चल रहा है यार, इतनी सुस्ती आ रही है। पहले अभी रुक के मेरे पानी पूरी पिया, थोड़ी सी नींद खोली। भाई साहब ऐसे तो कोई गाड़ी चला ले मैं तो बगल वाली सीट में मस्त सो जाऊंगा, पर ये जो हमारी मैडम है ना किसी काम की नहीं है, मतलब उसको कहते हैं ना मुंह में से शब्द छीन लेना, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी वो वाला काम किया तुमने। सही बोली, बिल्कुल सही बोले हैं, सही पकड़े हैं। इस बार तो ना यार बाई गॉड बारिश ने खा लिया, नफरत सी होने लग पड़ी है बारिश में, हर जगह कहीं जाओ सुबह शाम बैठे कभी भी बारिश शुरू होती है बिना बात की। यार इस साल तो ना सच में अब तो बारिश वाला कोटा पूरा हो चुका है बिल्कुल, भाई बंद करा दो। तो कवि सिर्फ यही कहना चाहता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और इस बार तो भाई एक्सेस की माँ बहन दादा ताई सब हो रखी है। तो चलो अब पहुंच तो जाएंगे घर, और यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर के करीब रह गए हम मोहाली, और ये वाला रोड तो यार अंबाला में खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो फिर ट्रैफिक। चलो फटाफट पहुंचते हैं और अपनी अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फाइनली यार एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके, मौसम भी बढ़िया हो रखा था, पीछे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई, बट फिर ये वाली जगह देखी फिर मेरे का मन कर गया कि यार कि यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, व्यू एंजॉय करते हैं। हल्की हल्की सी धूप है, क्लाउडी मौसम है और हल्की मॉइस्चर, मतलब ह्यूमिड टेम्परेचर है, गर्मी नहीं है ह्यूमिड है टेम्परेचर, बट ठीक है यार मौसम ठीक हो रहा है, बट यार बहुत डायनेमिक है, पता नहीं लग रहा उसका कि क्या एकदम से हो जाएगा। बारिश से लेकिन इतना अच्छा हाईवे भाई बचा नहीं है, देखना पूरा साइड से पूरा स्लैब ही बैठी हुई है यहाँ पर, तो यार बारिश में नुकसान तो इस बार खैर बहुत भर के किया। और ये देखना आपने यार न्यूज वगैरह में सुना होगा अंबाला में बाढ़ आ गई, तो भाई साहब ये देख लो अभी तक अंबाला का ये हाल है, डूबा पड़ा है अंबाला, अभी तक पानी गया नहीं है पूरी तरीके से, हालांकि वो जो बारिशें जो तेज हुई थी लगभग मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं उस चीज को, बट अभी तक यहाँ का पानी नहीं उतरा दोनों साइड। नहीं थी तुम्हारा फेवरेट लगा दिया सीरियल, इंजॉय करो इंजॉयिंग ना। हाँ निकल रहे हैं मेरी टीवी और क्या मिस नहीं होगा तुम्हारा कोई प्रोग्राम। तो भाई इतने मुद्दतों के बाद हम घर आके पहुंच चुके और फाइनली अब वो मोमेंट आ गया जब हम रिवील करेंगे कि हमने कौन सा लैपटॉप जो है परचेज किया। तो चलो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अब सबसे पहली चीज मैं बताऊं यार ये ब्लैक इतना पन्नी में लिपटा हुआ क्यों आया, क्योंकि यार ये दिल्ली से मंगवाया था तो किसी के हाथ उन्होंने आगे भिजवाया था, तो ऑब्वियसली यार खोल के तो भेज नहीं सकते कि ये बता गए कि लैपटॉप है, तो इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से कवरिंग इसकी कर दी। तो अब हम इसका
जो ये है रिबन कटाई सेरेमनी, नहीं रैपर कटाई सेरेमनी करेंगे। चलो इसको ना पहले मैं मोबाइल को कहीं रखता हूँ, रुको वेट। हाँ जी अब बैठे ना सेटिंग, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। भाई यही मिला मेरे को। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाऊंगा, वो देख के आप समझ जाओगे कि कौन से ब्रांड का है। वो उस ब्रांड की क्योंकि खास बात है ये खोलने के लिए, समझ तो गए होगे आप। तो चलो जी इसको करके हम अनबॉक्स करते हैं इसको खोल के। यार ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये साला एक ही कंपनी दुनिया में देती है, और किसी कंपनी का फोन या मोबाइल या टैबलेट जो भी है खोलने में वो मजा नहीं आता जो इसकी अनबॉक्सिंग का आता है। तो फाइनली जो हमने लैपटॉप लिया है ये है मैकबुक प्रो 1 TB वाला मॉडल, और ये M1 चिप के साथ है। M2 चिप जो है लेटेस्ट है, ये एक जनरेशन पुराना M1 है। अब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिया, मुझे कितने का पड़ा। पहले इसको भी एक पूरी तरह खोल लेते हैं अपन। वीडियो बन रही है ना, मुझे नहीं पता वीडियो बन रही है कि नहीं। हाँ जी तो इसको भी अपन खोल लेते हैं। ओए होए, तो ये है जी अपना मैकबुक प्रो, ग्रे कलर है ये इसका। मैं भी जल रहा हूँ भाई, मेरे खोलने का भी नहीं पता यहाँ से खुलता है यहाँ से खुलता है। अब मैं फोन पकड़ ही लेता हूँ। हाँ जी तो इसका पर्दा हटाते हैं। और इसको करते हैं ऑन। बाकी बॉक्स की बात करें तो शुक्र है फोन की तरह इन्होंने चार्जर नहीं मारा, चार्जर साथ में दे दिया। ये वायर आ गई और ये इसका आ गया अडेप्टर। बाकी तो ये अपने काम की चीज है ही नहीं, कभी ना हमने पढ़ी है ना आगे पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा चार्जर है, चार्जर अच्छा है, पुराने वाला है मेरे मैक से, ये ब्रेडेड सा है, वो वाला तो थोड़ा प्लेन सा, उसे मिट्टी ज़्यादा जमती है, गंदा लगता है वो। चलो वो चीज़ अलग है, लैपटॉप कौन सा है, विंडोज है मैक है, बट जो एक अनबॉक्सिंग की फील यार एप्पल वाले देते हैं ना यार, दुनिया में और कोई ब्रांड नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। हेलो हेलो बॉन्जोर, हो गया सब हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ फटाफट। अब यार ये इनकी एक और बसूड़ी, अब मैंने पासवर्ड भूल गया क्योंकि कितने सालों से मैंने अपने जो पुराना मैकबुक वाला है उसमें पासवर्ड डाला हुआ था, तो मेरे को डालने का याद ही नहीं मुझे कि क्या पासवर्ड था मैंने। अब मैंने रीसेट पासवर्ड किया तो मेरे अब दूसरे लैपटॉप पे इन्होंने कोई कुछ भेजा है कोड वगैरह। अब पहले मैं इसको ऑन करूँ, देखना इतने लैपटॉप भाई साहब दुकान खोल ली मैंने सारी, अब इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। अब इसमें से ही पुराना पासवर्ड निकालते हैं क्या है, फिर करते हैं चालू। अभी तक चालू नहीं हुआ ये। हाँ साथ साथ खोलते ही मैसेज आ गया। और ये चलो जी, तो जब तक यार इसकी लोडिंग चलती है तब तक बात करते हैं कि मुझे ये कितने कॉस्ट किया। तो मैं बताऊं कि यार ये जो मैंने लिया है ना, तो अगर पत्नी कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, ये है 14 M1 Pro 1 TB मॉडल। तो ये मैंने पहली चीज तो क्यों लिया, क्योंकि देखो यार जो अभी लेटेस्ट M2 मॉडल है तो उसमें क्या फर्क है और M1 में क्या फर्क है, सिर्फ एक चिप का। देखने में लगभग फंक्शन में जो एप्पल क्लेम करती है कि 18% फास्टर है, तो मैंने कई सारी वीडियोस इसकी देखी कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं, इतना फर्क है कि जो काम M2 वाला लेटेस्ट वाला मान लो 1 मिनट में कर रहा है तो जो M1 वाला है वो 1 मिनट 10 सेकंड में 8 सेकंड में कर रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं है कि 1 मिनट का काम जो है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड भी फालतू ले रहा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन रेट की अगर बात करूं तो इसकी MRP अगर मैं बताऊं, ये देखो इसकी MRP है 2,40,000 आप मान के चलो ठीक है, और मुझे जो ये लैपटॉप मिला ये मिला मुझे 1,54,000 का, तो लगभग 85,000 का मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कह लो ये कह लो कि प्रीवियस जनरेशन था और बाकी भाई के थोड़े बहुत जुगाड़ लगा के इतने का मुझे पड़ा, और जो मुझे M2 मॉडल है उसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी ये 1 TB वाले मॉडल की वो पड़ रही थी भाई 2,17,000। तो लगभग यार लगभग 50-55,000 रुपए का फर्क पड़ रहा था अगर मैं M1 मॉडल लेता और M2 मॉडल लेता। तो 50-55,000 सिर्फ 10 से 20 सेकंड तेज चलने के लिए मैं स्पेंड करना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, फ्रेंकली स्पीकिंग।
या तो फर्क हो ना, कोई लुक्स में फर्क है यार, किसी चीज में फर्क है कि उसमें वो चीज ज्यादा है इसमें कम है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये वाला जो मॉडल है ये 10 कोर और मेरे ख्याल से 10 कोर और 16 कोर जीपीयू के साथ है, और उसका जो M2 का जो 512 SSD वाला मॉडल आता है वो सेम स्पेक के साथ आता है। तो जब स्पेक, फीचर, कलर, हर चीज बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो यार इसको लेने में कोई हर्ज नहीं था, तो मैंने इसलिए ये चूज किया। और वही बात एप्पल प्रमोट कर रही है ऑब्वियसली M2 चिप, तो ये वाला मॉडल मिल ही नहीं रहा था चंडीगढ़ में, मैंने काफी जगह पता कर दिया, तो जाके दिल्ली में मुझे मिला और वहां से मैंने मंगवा लिया था घर पे, और अब आपके सामने जो मैं घर से पिक करके लाया हूं यहाँ पर। तो फाइनली वी गॉट अ पावर मशीन, तो आई होप अब मेरे ब्लॉग्स थोड़े से मैं कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की, बाकी अभी इसमें काफी कुछ सीखना बाकी है। बाकी अपने एक सब्सक्राइबर है बाज भाई, लो बाज भाई आपकी बात मान ली, और हम एप्पल पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से भाई अपनी कहानी थी, और बाकी यार मुझे अपग्रेड करना था, क्योंकि यार आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर वीडियोस देखते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू सो मच। और मेरा भी एक कहते हैं ना कर्तव्य बनता है कि यार मैं अपने ब्लॉग को थोड़ा और इम्प्रूव करूं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे विंडोज लैपटॉप में, मेरे फोन में या पुराने मैकबुक में, तो इसलिए मुझे एक पावर मशीन चाहिए थी, तो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस लैपटॉप। तो ये थी जी मेरी कहानी आज की, बाकी चलो बैठ के मैं पंगे लेता हूँ इससे, और हो सकता है ये वाला ब्लॉग जो मैं नए मैकबुक में एडिट करूँ तो भाई थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाए तो प्लीज थोड़ा सा सह लेना। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक और चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।